पंचायत चुनाव आते ही अवैध शराब और कच्ची शराब की मांग बढ़ जाती है। प्रधान प्रत्याशियों की तरफ से शराब के शौकीनों का झुकाव अपनी तरफ करने के लिए कच्ची शराब का उपयोग धड़ल्ले से किया जाता है। आगामी पंचायत चुनाव में अवैध शराब की क्रय विक्रय को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम निरंतर अभियान चला रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, क्रिटिकल पोजीशन में रहते हैं। देखिए, अवैध शराब या कच्ची शराब, इसके विरुद्ध पुलिस और आबकारी विभाग, साथ ही साथ कभी कभी मजिस्ट्रेसी के लोग भी टीम में शामिल होते हैं, हम निरंतर अभियान चलाते रहते हैं ताकि ये किसी भी दशा में न इसका निष्कर्षण हो पाए, न परिवहन हो पाए, न क्रय विक्रय हो पाए। चुनाव के समय निश्चित रूप से जो आपका प्रश्न है कि इसकी मांग बढ़ती है, उसको देखते हुए निरंतर अभियान चल रहा है आबकारी विभाग की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से भी, और अब क्योंकि पंचायत चुनाव बिल्कुल सिर पर है, इस नाते ये हमारे एजेंडे में बिल्कुल फोकस पर है और कहीं भी किसी तरह की अवैध मदिरा न तो बनने दी जाएगी, न बिकने दी जाएगी, न सेवन करने दिया जाएगा। इस दिशा में निरंतर हमारे इंटेलिजेंस गैदरिंग और उसके आधार पर कार्यवाही ये चल रही है, आगे भी जारी रहेगी।